देश भर में इस समय अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर माहौल भी है और सियासत भी चल रही है। सियासत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने, आलाकमान ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के न्योते को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अधूरा निर्माण है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है और उन्होंने इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार देकर इसे ठुकरा दिया है। राजनीति के जानकार इसे, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको रिझाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर जहां देश भर में दक्षिणपंथी संगठन और समूह कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में यहां पर कांग्रेस की विधायक हैं जोबट की सेना महेश पटेल और उनके पति हैं महेश पटेल जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पोस्टर छपाए हैं। इस पोस्टर में उन्होंने राम मंदिर का मॉडल, श्री राम की तस्वीर और 22 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर उत्साह जताया है। ये पोस्टर आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस पोस्टर को आप देखिए। इस पोस्टर के जरिए महेश पटेल, सेना पटेल ने और उनके परिवार ने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आज बकायदा समारोह पूर्वक पंचमुखी हनुमान मंदिर में इस पोस्टर का लॉन्च किया गया। करीबन 10,000 से ज़्यादा कैलेंडर पूरे जोबट विधानसभा क्षेत्र में अलीराजपुर में बंटवाए जाएंगे और यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण रखता मायने रखता है क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को के न्योते को ठुकरा रहा है, उसे सियासत बता रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही MLA यहाँ पर 22 तारीख को ही, इम्पोर्टेंट ये कि 22 तारीख के इवेंट को लेकर वो पोस्टर और अपना कैलेंडर छपा रही हैं, वितरण करवा रही हैं। इस मुद्दे पर जब हमने इनसे पूछा कि आपका आलाकमान कुछ और सोच रखता है और आप कुछ और सोच सकती हैं, तो विधायक ने कहा कि श्री राम मंदिर के ताले तो कांग्रेस ने ही खुलवाए थे। क्या क्या कहा विधायक सेना पटेल ने, पहले वो सुनिए। देखिए, ये जो कैलेंडर छपवाई है ये तो हमारा एक आस्था का प्रतीक है और पटेल परिवार शुरू से ही आस्था के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। और रही बात पार्टी की जो नहीं जाने की, तो हो सकता है समय का कुछ अभाव होगा, लेकिन भगवान श्री राम हर व्यक्ति के कण कण में बसे हुए हैं। इसमें राजनीति का कोई महत्व नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है और हम हमेशा धर्म के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही भी कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं। क्योंकि कहा गया है कि भगवान श्री राम जब बरसों पहले ताले में बंद थे तो हमारे राजीव गांधी जी ने वो ताले खुलवाए थे। इनका इतिहास उठा के देख लो, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिस तरह से जो बातें फैलाई जा रही है वो सरासर झूठ है और हम भगवान श्री राम के भक्त हैं और हमेशा रहेंगे। ये धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और हम पूरे नगरवासी, हमारे जो गुरुजी यहाँ से अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं उनका निमंत्रण प्राप्त हुआ है, उनको आज हम यहाँ से अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं और हम नगर वाले बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे अलराजपुर नगर से एक गुरु जो अयोध्या धाम पधार रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। तो आपने सेना पटेल को सुना जो कि MLA हैं कांग्रेस की जोबट से। अब उनके पति महेश पटेल का ये बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनको ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है कि इस तरीके के कैलेंडर न छुपाए जाएं या 22 तारीख को लेकर कोई एक्टिविटी न की जाए, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। और कांग्रेस भी राम के अस्तित्व को स्वीकारती है, राम को मानती है, सभी लोग मानते हैं और वो और उनका परिवार हमेशा से सभी की भावना का सम्मान करता है और 22 तारीख को लेकर उत्साहित है। तो यहाँ महेश पटेल का ये बयान भी सुनिए। 22 तारीख को जो राम अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है, आज हमने अलीराजपुर जिले के लिए सभी हमारे धर्म प्रेमियों के लिए आज जो हमने जो राम भगवान जी के राम मंदिर के जो कैलेंडर छपाया है हमने और पूरे ज़िले में हम ये कैलेंडर बांटेंगे। आज यहाँ हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर यहाँ पे हमने विमोचन कर रामदास जी महाराज जो कि उनको अयोध्या बुलाया, उनका मान सम्मान कर
हम अयोध्या 1 बजे उनको रवाना करेंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारे को कोई निर्देश नहीं है, और हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म हो, चाहे सर्व धर्म हो, राम भगवान हमारे कण कण में बसे हुए, ऐसा कोई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का निर्देश है कि नहीं करना ये करना, ये हमारी राम हमारी आस्था है। और हम हमारा परिवार शुरू से ही, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, हम हमेशा चढ़ बढ़ के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और हमेशा चाहे कोई भी सर्वधर्म समाज हो उसमें हम बिल्कुल चढ़ के काम करते हैं। और आज हमने यहाँ सिलेंडर पूरे ज़िले में बांटेंगे, और राम भगवान जी की हमारी आस्था है, और हर गांव में, और हम हर हनुमान जी के मंदिर है वहाँ पे 22 तारीख को सभी कार्यकर्ता और सभी समाज गण वहाँ पे सुंदरकांड करेंगे, और वहाँ पे राम भगवान की राम धुन करके वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के रोज करेंगे। और मैं सभी जिले वासियों को निवेदन करता हूँ कि 22 तारीख को हर मंदिर में जाके पूजा पाठ करें, और राम मंदिर का राम धुन करें, चाहे कोई से भी मंदिर में, चाहे जंगल हो, चाहे पूरे ज़िले में, और धूमधाम से राम जन्म उत्सव मनाए, ताकि पूरे आज हमारे राम भगवान कण कण में बसे हुए। तो अलीराजपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में कांग्रेस की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उनको अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का न्योता मिला है। आज वो विदा हो रहे थे, और विदा होने के पहले महेश पटेल और सेना पटेल और उनके परिवार ने उन्हीं के हाथों इस कैलेंडर का विमोचन करवाया और उन्हें विदाई भी दी, कहा कि वो अलीराजपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस पूरे आयोजन को लेकर जो अयोध्या जा रहे हैं, जिन्होंने इस पोस्टर का विमोचन किया, कैलेंडर का, उन गुरुजी का क्या कहना है वो भी सुनिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हम अलीराजपुर में अपनी 19 साल से जो राम नाम की धुन से चल रहे थे, हनुमान जी की जो सेवा कर रहे थे, आज 470 साल बाद हमारे पूर्वजनों की आत्माओं को भी शांति मिली है, हमारे कार सेवाओं वालों को भी मिली है, और आज सबसे बड़ी हमारे नगरवासियों के लिए खुशी मिली है, जो आज हमारे सनातन धर्मी सभी एक होकर पंचमुखी में आकर राम मंदिर के लिए अपने उनका कैलेंडर का भी राम निर्वचन किया है। जय श्री राम। तो इस पूरी खबर को के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस आलाकमान का और अलीराजपुर कांग्रेस का रुख श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी 22 जनवरी को लेकर थोड़ा सा अलग सा दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।